एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन SHM. देखो, आप SHM में कोई भी एग्जांपल इमेजिन करें. जैसे आपने इमेजिन किया एक पेंडुलम. पेंडुलम वाई की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है? चेंज. पोटेंशियल एनर्जी भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है. कैसे? एक पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पर जब पहुंचेगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, नीचे आते 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 मिनिमम होगी और फिर मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो, नीचे आते 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 मैक्सिमम और फिर कम 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 होते होते जीरो. स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, स्प्रिंग और मास है, तो जब एक्सट्रीम पे जाएगा मास तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. और स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. फिर जब मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो मेरे कहने का मतलब, आप दुनिया का कोई पीरियोडिक या कोई SHM मोशन ले लें, जैसे डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पर चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हमने फॉर्मूला किया था वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. जैसे किसी भी SHM के अंदर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है. उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी चेंज होती है इंस्टेंट पर, क्योंकि ए क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. जब वाई चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा. उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी हर इंस्टेंट पर चेंज होती है. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी. तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसमें? एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन SHM. अब ये तो इन जनरल SHM की बात करता है. चलो मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर लेता हूं. कोई भी एक SHM अपने मन में इमेजिन कर लो, पेंडुलम कर लो, स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ भी कर लो. चलो एक स्प्रिंग है. एक स्प्रिंग के अंदर अगर मैं बोलता हूं एनर्जी स्टोर हो गई, कैसे होती है? आपने वर्क पर एनर्जी भी किया हुआ है. क्या बोलते थे उसमें? उसमें ये बोला जाता था, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की जब बात हो कि पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, मैंने हमेशा सिखाया जब नेचर के अगेंस्ट काम करते हो तो एनर्जी भर जाती है बॉडी में, ये सिखाया. तो आप स्प्रिंग को जब अगेंस्ट नेचर खींचते हो तो आप क्या करते हो? वर्क डन. वो वर्क डन किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि स्प्रिंग वापस चला जाए, पर आपकी फोर्स चाहती है स्प्रिंग खुल जाए. तो आप वर्क डन करते हो, वह वर्क डन स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. यही रूल है. वर्क डन कौन करता है? रिस्टोरिंग फोर्स करता है कि मैं करता हूं? मैं करता हूं ना. एक्सटर्नल वर्क डन मेरे को ही करना पड़ेगा. कि स्प्रिंग अपने आप क्यों वर्क डन करेगा भाई? मैं ही जाके वर्क डन करूंगा. अब ये बताओ कि कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो SHM में होती है, तो उसकी किसी भी इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. और जो फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स है अगर मान लो, वो क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. या फिर चलो SHM के अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है? ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर वाई लिख लेते हैं. चलो तो ओमेगा स्क्वायर वाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल है. आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक स्प्रिंग है और एक मास है, मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हो जाएगी? 10 न्यूटन. अगर मेरी फोर्स 10 न्यूटन है तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स भी एग्जैक्टली सेम 10 न्यूटन. फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है मेरी और इसकी फोर्स में? फर्क क्या है? डायरेक्शन. मेरी फोर्स इसको खींच रही है, एक्सपैंड कर रही है, स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है. तो डायरेक्शन के लिए साइन क्या लगा? नेगेटिव. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी रिस्टोरिंग फोर्स -10 न्यूटन है, रिस्टोरिंग फोर्स सिस्टम में -10 न्यूटन है, तो मेरी फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है. अगर रिस्टोरिंग फोर्स -20 न्यूटन है तो मेरी फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन है. अगर रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी SHM में इसके इक्वल है -m(ω²y) ये रहा, तो फिर मेरी फोर्स कितनी है? इसका पॉजिटिव कर दें, आंसर आ जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी में ये रिस्टोरिंग फोर्स का आगे नेगेटिव लगाया, क्योंकि वर्क डन मेरे को करना है, रिस्टोरिंग फोर्स को नहीं करना. तो दो बार नेगेटिव समझ में आ रहा है. क्यों लगाया?
क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता है किसी भी SHM में क्या होती है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, तो मेरी फोर्स क्या होगी उसको पॉजिटिव बना देंगे, और वर्क डन कैलकुलेशन में या पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में मेरी फोर्स चाहिए होगी तो इसको पॉजिटिव बना दिया। अब क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, वाई के साथ चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन से ही वर्क डन आएंगे, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो स्मॉल इंटीग्रेशन क्या कर दी, डी वाई, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया, पहला स्टेप क्लियर है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा स्प्रिंग या किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए डी वाई और मेरी फोर्स से, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो आप इसे इंटीग्रेट करें। आपने किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया वाई तक, तो वाई की इंटीग्रेशन की कॉन्स्टेंट है, जीरो से डब्ल्यू वर्क डन किया तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई। लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, ये वर्क डन ही स्टोर हो जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखें पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक। पहला फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एनर्जी इजी है, हमने लास्ट टाइम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला सीखा था, हमने ड्राइव किया था वी का फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला वी वाई के साथ कैसे रिलेटेड है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इस वी को उठा के वी स्क्वायर में पुट कर दें, तो लिखें फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, लिखें फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने आने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर, वाई जब चेंज होगा पोटेंशियल भी चेंज होगी, वाई जब चेंज होगा काइनेटिक भी चेंज होगी, तो ये इंस्टेंटेनियस एनर्जीज है। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी क्या करें, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो लिखें, ऐड करने के बाद वाई वाली टर्म कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, लिखें लिखें, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर लिखें। तो तीनों फॉर्मूलास क्लियर है, ठीक है यहां तक। इसको लगा के भी देख लें, ये देखो पेंडुलम पे लगा लो, पेंडुलम पे एक्सट्रीम पोजीशन पर वाई क्या होता है, ए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, और काइनेटिक क्या बन जाएगा, वाई की जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, आंसर जीरो, सही है ना। काइनेटिक एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या हो जाती है, जीरो, और पोटेंशियल क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब एक चीज और नोट करो, इसके अंदर अगर आप नोट करें जो टोटल एनर्जी होती है ना, जो टोटल एनर्जी है ये सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक है, ऐसे ही सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक है। अगर मान लें पोटेंशियल मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल किसी भी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी, लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में। कई बार वो क्वेश्चन देगा फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब टोटल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, ऐसा तब होगा, लिख लें। सिमिलरली ये भी लिख लें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी, एक ही बात है, ऐसा तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बात करते हो,
पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू होती पता है क्या है, ए साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज परपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैथ में साइन थीटा का कर्व सबको आता है, साइन थीटा कैसे बनता है, साइन स्क्वायर थीटा मैथ में सिखाएंगे प्लस टू में। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व साइन स्क्वायर के साथ मैच करेगा, जो मैथ्स में साइन स्क्वायर होता है वो क्या होता है दिखाता हूँ अभी। तो लिख लो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा को साथ कोरस्पॉन्ड करती है, ठीक है, लिख लें यहां तक। नेक्स्ट है, उसी तरीके से आप लिखें काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, अगर y की वैल्यू मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस a साइन ओमेगा t पुट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा, या हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, या और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉरस्पॉन्ड करेगा, पोटेंशियल का साइन स्क्वायर और काइनेटिक का कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखवा तो दिया, अब एक और प्रॉब्लम है इसमें। कोई एक स्टूडेंट आया, वो कहता है ये आप डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी ले रहे हो पर मेरी डिस्प्लेसमेंट तो ए कॉस ओमेगा टी है, अब आपके ग्राफ उल्टे हो जाएंगे। प्रॉब्लम है अगर वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं ना कि ए साइन ओमेगा टी हो, ए कॉस ओमेगा टी भी तो हो सकता है, फिर सारा उल्टा हो गया। तो ये लिख लेना कंडीशनल है कि मैंने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन ली है, पर अगर आपको a cos ओमेगा टी आ जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है ग्राफ। तो इसलिए आपकी बुक्स में ना एक स्टैंडर्ड सा ऐसा सा बना रखा है, वो कहते हैं देखो ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, ये ब्लैक लाइन टोटल एनर्जी है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ये जो ग्राफ है ये दोनों ग्राफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो साइन स्क्वायर है और जो वन से स्टार्ट हो रहा है वो कॉस स्क्वायर है। तो यू और के का एक जनरल ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो कहने का मतलब पेपर आएगा तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ग्राफ याद ही करना पड़ेगा कि कुछ इस फॉर्मेट में ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें इतनी सी फोटो अलग ले ली, बस इतने पोर्शन की, ये देखो इसकी फोटो अलग बना दी, ये देखो सिर्फ आधे पोर्शन की एक ग्राफ की, ये ज्यादा क्लियर है। क्यों, ये टोटल एनर्जी है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक जीरो है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और मीन पे जीरो है। तो ये प्लॉट करने को भी आ जाता है, प्लॉट मींस आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मार्क करेगा और अपने मार्क करना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इस टाइप से ग्राफ को मार्क करने पड़ेंगे, सोच के मार्क करना पड़ेगा, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसकी मार्किंग की हुई है। ठीक, मेन्स वालों ने क्वेश्चन दिया, सुनो जरा क्या क्वेश्चन दिया, अभी तीन क्वेश्चन दिए 2023 में, मैंने कल ही करवाया प्लस टू वालों को। वो क्या कहते हैं कि सपोज आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप हमसे ले रहे हो 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी देगा वो आपको, आपको वाई भी देगा,
कहेगा फोर्स कांस्टेंट निकाल दो। ओके, फोर्स कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट कैसे आया? लिखो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा के, क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर एम। ओमेगा स्क्वायर एम को के बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये देखो के दिख रहा है अब, ये रहा के, ये पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे? के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ के वाई स्क्वायर। निकाल लेना, ये गिवन तो ये आ गया, ये पेपर में दिया हुआ है। फाइंड फोर्स कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है फोर्स कांस्टेंट बाहर से कैसे आएगा। फिर वो कहते हैं, अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तीन क्वेश्चन आए हैं, कह रहे काइनेटिक एनर्जी हमसे ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पर क्या निकाल दो? फोर्स कांस्टेंट। दिख रहा है ये? तो काइनेटिक एनर्जी वो आपको दे देगा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लो। तो निकाल लेना, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है यहां तक। फिर कहेगा टोटल एनर्जी ले लो, टोटल का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, कहेगा फोर्स कांस्टेंट निकाल दो। तो टोटल एनर्जी हाफ के इंटू ए स्क्वायर, निकाल देना फोर्स कांस्टेंट। आंसर पॉइंट समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा?